क्वेश्चन नंबर टू, 50 kg नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg हाइड्रोजन गैस आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करें, 50 g नाइट्रोजन ले रहे हैं और 50 kg नाइट्रोजन लिया जा रहा है और 10 kg हाइड्रोजन लिया जा रहा है। ठीक है, और इनको रिएक्ट कराया जा रहा है, तो इनको रिएक्ट कराएगा तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगी। क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। तो कितनी अमोनिया बनेगी, ये चीज आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। तो पहले आप जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन प्लस N2+H2 ये आपका एल3 हो जाएगा ना। आप इसको बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को। तो देखिए इधर जो है 2 नाइट्रोजन है और इधर भी 1 नाइट्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है ना। अब आपको बैलेंस करना है। तो जैसे 2 नाइट्रोजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा है ना। देखिए लेफ्ट साइड में 2 नाइट्रोजन है तो राइट साइड में भी 2 नाइट्रोजन होने चाहिए ना। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में बोथ साइड नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे है। अच्छा, हाइड्रोजन इधर क्या 2 है लेकिन इधर 6 है, इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 लेफ्ट हो गया, 6 राइट हो गया। अब ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया ना। अब इस बेस पर जो कह रहे हैं वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, नाइट्रोजन का कितना अमाउंट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, जैसे 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल आपका अमोनिया बन रहा है ना। 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बना रहे हैं ना। अब इसको मास में बदल देते हैं, तो मास में कितना होगा बताओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जैसे इसका एटॉमिक वेट 14 है, दो एटम है तो 2 × 14 हो जाएगा, 2 × 14 ना, कितना हो गया 28, कितना हो गया 28 है। अब यहाँ पर जाइए अमोनिया की निकाल लीजिए। तो अमोनिया जो है इसमें देखिए 1 अमोनिया है तो 1 × 14 हो गया ना। अमोनिया का नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 14 होता है, 1 एटम है तो 1 × 14। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 1 होता है, और 3 एटम है तो 3 × 1, तो कितना हो जाएगा बताओ, 14+3, तो मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया कितना होगा, 17 हो गया। लेकिन 2 1 मॉलिक्यूल लेते तो 17 होता, 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, कितना बन रहा है।